In the name of Allah, who is most merciful and beneficent. Assalamu alaikum students. I hope you will be safe and sound at your homes. This is workbook of class 4 of social studies. And students, I think so it is very helpful for you, because after doing the workbook, you can assess yourself easily that how much knowledge you got after reading the textbook. So students, let's start our today's task and open workbook page number 1, and you can see unit number 1, our land and its people, and first chapter, physical features. And you can see here crisscross puzzle, clues down, clues across. Now, clues down, on which plateau are Rawalpindi and Islamabad situated? ये क्लू दिया गया है. नाउ यू विल चेक द ब्लॉक नंबर 1 विच इज इन डाउन फॉर्म. यू कैन सी हियर फ्रॉम योर वर्कबुक ब्लॉक नंबर 1 यू विल राइट द स्पेलिंग ऑफ पी ओ टी ओ डब्ल्यू ए आर पी एल ए टी ई ए यू. यू विल कम इन डाउन फॉर्म. दिस इज अ क्लू नंबर 1. ओके कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद किस प्लेटू पे वाक़ हैं. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अवर रीडिंग कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद पोर्टो हार्ट प्लेटू पे सिचुएटेड हैं. नाउ कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन. विच पास इन बलूचिस्तान कनेक्ट्स ईरान टू पाकिस्तान. पाकिस्तान और ईरान को कौन सा पास कनेक्ट करता है. एंड अगेन यू विल कम डाउन. कैन यू सी हेयर द नंबर 2. Yes, now you will search the block number 2 and you will come in down form. Bolan Pass, the answer is BOLANPASS. Balochistan mein ye pass waqia hai aur ye Iran aur Pakistan ko aapas mein connect karta hai. And the third one is K2 is in which province. K2 कौन से प्रोविंस में वाक़ है. दिस इज नंबर 3. एंड नाउ यू विल सर्च हेयर द ब्लॉक नंबर 3. एज यू कैन सी हेयर नंबर 3 एंड यू विल कम इन डाउन फॉर्म. K2 किस प्रोविंस में वाक़ है. K2 इज लोकेटेड इन गिलगित बाल्टिस्तान. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन ड्यूरिंग रीडिंग. एंड यू विल राइट हेयर द स्पेलिंग ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान इन ए डाउन फॉर्म. GILGITBALTISTAN. ओके स्टूडेंट, देर आर टोटल 7 क्लूज इन डाउन फॉर्म. You will do 6 and 7 by yourself. Now come towards the across clues. Number 4. Which mountain range lies in Khyber Pakhtunkhwa? कौन सा mountain range Khyber Pakhtunkhwa या KPK में वाक़ है. Now you can see here 4 and now you will search here the block number 4. And here you can see block number 4 and you will write the answer of this in across form. Hindukush, HINDUKUSH. Next one, Ravi, Chenab, Sutlej, Bias and Jhelum are tributaries of which river? ये जितने भी दरियाओं के मैंने नाम लिए हैं ये किस दरिया की tributaries हैं. Students, as we have already discussed this also in our reading, what are tributaries? मुआवन दरिया होते हैं जो कि बड़े दरिया में जाके गिरते हैं. विच फील्ड्स अ लार्जर वन, इन अदर वर्ड्स यू कैन से. एंड नंबर 5. नाउ यू विल सर्च हेयर द नंबर 5 ब्लॉक. एज यू कैन सी हेयर 5. और ये जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं. नाउ यू विल राइट आंसर इन नंबर 5 इन अक्रॉस फॉर्म. RIVER INDUS. You will write the answer of this number 5 in a cross form. This is the clue. Okay students, 4 and 5 you have done with the help of me. And next 8, 9, 10, 11 in a cross form you will do by yourself. Okay students, come to the next page, page number 2 of workbook. And you can read the question, name the physical features and give an example. Hills of sand.
एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ड्यून्स इन अवर रीडिंग कि जो रेत के टीले होते हैं वो ड्यून्स कहलाते हैं. सो दिस इज़ द सो कैन यू कैन से दैट दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ ड्यून्स, हिल्स ऑफ सैंड. यू विल राइट द नेम ऑफ दिस स्टेटमेंट ड्यून्स एंड यू विल गिव वन एग्जाम्पल थर्ड डेजर्ट. नेक्स्ट वन, ए लो एरिया ऑफ लैंड रेस्टिंग बिटवीन टू माउंटेन्स, दो पहाड़ों के दरमियान जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है? डेफिनेटली वैली. एंड यू विल राइट हेयर द नेम ऑफ वन वैली, कावान. स्टूडेंट्स हेयर द वन थिंग मोर, यू कैन राइट एनी अदर नेम ऑफ डेजर्ट, यू कैन राइट हेयर द नेम ऑफ एनी अदर वैली, नॉट ओनली थर एंड नॉट ओनली कावान. हाई लैंड राइजिंग अबव द लैंड सराउंडिंग इट, ऐसी ज़मीन जो पहाड़ से कदरे नीचे बट अपनी सराउंडिंग की ज़मीन से थोड़ी सी ऊँची होती है, दिस इज़ कॉल्ड द प्लेटू. एंड यू विल राइट हेयर द नेम ऑफ वन प्लेटू, पोर्टवाहार प्लेटू. एंड द नेक्स्ट वन इज स्मॉलर रिवर दैट फीड्स ए लार्जर रिवर, एक छोटा दरिया जो बड़े दरियाओं को फीड करता है, इज़ कॉल्ड द ट्रिब्यूटरी. यू विल राइट हेयर द आंसर, ट्रिब्यूटरी. And students, you will write here the one tributary, Ravi. And you can write here any other tributary, Sutlej, Bias, Jhelum, Chenab, any other name. Number 5, large flat area of land in areas between rivers. पहाड़ों के सॉरी दरियाओं के दरमियान जो एरिया होता है, फ्लैट एरिया होता है, वो क्या कहलाता है? प्लेन. एंड यू विल राइट हेयर द नेम ऑफ एनी प्लेन इन दिस प्लेन. एंड एज यू नो वेयर वी लिविंग, Yes, we are all living in plain areas. Okay, students, there are total 10 questions. You have done 5 with the help of me, and next 6, 7, 8, 9, 10, you will do by yourself. And you can take the help from your textbook. And now, students, come towards the page number 4. And you can see here the map of Pakistan, the population. Look at the map, it is a population dense deep map. ये एक आबादी के लिहाज से एक मैप बनाया गया है. The color symbols and the key will tell you about the number of people living in an area. ये color जो हैं वो they are looking same like ये एक ही family लग रही है, but only there is a light and dark combination of colors here. Like Punjab बहुत डार्क कलर है, सिंध का कदरी लाइट कलर, खैबर पख्तूनख्वा उसे लाइट कलर में, बलूचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान के बहुत लाइट कलर्स हैं. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस मैप यू विल डू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 5 ऑफ वर्कबुक. नाउ ट्राई टू रीड द क्वेश्चन. आफ्टर रीडिंग द मैप केयरफुली आंसर द क्वेश्चंस. डिफाइन पॉपुलेशन डेनेस्टी, आपने पॉपुलेशन डेनेस्टी को डिफ़ाइन करना है सबसे पहले कि पॉपुलेशन क्या होती है. द क्वान्टिटी ऑफ पीपल इन ए गिवन एरिया, यानी द क्वान्टिटी ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया, यानी लोगों की एक मखसूस तादाद जो किसी भी इलाके में रहती हो वो पॉपुलेशन कहलाती है. एज वी हैव ऑलरेडी रीड इन टेक्स्ट बुक, विच रीजन हैज़ द मोस्ट पॉपुलेशन, कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है. डेफिनेटली प्लेन रीजन में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है. और वो प्लेन रीजन में कौन सा प्रोविंस आता है? डेफिनेटली प्रोविंस पंजाब. पंजाब इज़ अ डार्क कलर. विच रीजन हैज़ द सेकेंड लीस्ट पॉपुलेशन, सिंध. दूसरे नंबर पर आबादी के लिहाज से कौन सा प्रोविंस आता है? यस यू कैन सी हेयर, सिंध. अकॉर्डिंग टू द मैप विच प्रोविंशियल कैपिटल सिटी विल बी लीस्ट पॉपुलेटेड, कौन से प्रोविंशियल कैपिटल में लीस्ट पॉपुलेशन पाई जाती है? एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अवर प्रीवियस लेक्चर्स दैट यू कैन सी हेयर बलूचिस्तान हैज़ ए लार्ज एरिया बट अकॉर्डिंग टू इट्स साइज इट हैज़ ए लीस्ट पॉपुलेशन, यानी अपने साइज़ के लिहाज से यहाँ पे आबादी बहुत कम है. एंड द कैपिटल ऑफ दिस प्रोविंस इज क्वेटा. विच प्रोविंस, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोविंस हैज़ द मोस्ट पॉपुलेशन, व्हाई डू यू थिंक दैट इट हैज़ द मोस्ट पॉपुलेशन, कौन से प्रोविंस में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है? यस पंजाब इज़ द
densely populated province. Why Punjab has the more population? Punjab में ज़्यादा आबादी क्यों पाई जाती है? Because you can give the reason. Because it has a lot of facilities and it is a very fertile area. That's why people came.